माय चैनल वी नेचर वर्षा। आज मैं आप लोगों के साथ में एक फेस सीरम शेयर करने वाली हूँ, जिसे यूज करने से आपके फेस पर अगर दाग धब्बे हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे, अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं तो वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंगे, अगर आपके फेस पर सनबर्न या सनटैन हो गया है, या फिर आपके फेस पर धूप में जाने से या फिर गर्मी की वजह से आपके फेस पर लाल लाल छोटे छोटे दाने हो गए हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इस फेस सीरम को यूज करने से। आज जो मैं फेस सीरम बनाने वाली हूँ उसे मैं रेडी करने वाली हूँ कुकुम्बर यानी कि खीरे से। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन होगी उसे क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि मैं जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिलती रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, ऐसी बहुत सारी DIY होम रेमेडीज और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, इस फेस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक खीरा। खीरे को आपको अच्छे से धोकर उसे कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद आपको उसका रस निकाल लेना है बहुत ही आसानी से। जब आप उसे कद्दूकस कर लेंगे उसके बाद आप उसे निचोड़ेंगे ऐसे तो उसका रस निकल जाएगा। आपको एक बाउल में उसका रस निकाल लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर खीरे का रस निकाल लिया है। आप देखिए कितने अच्छे से इसका रस निकल गया है। मैंने इसे कद्दूकस करके उसके बाद इसका रस निकाल लिया है। उसके बाद आपको लेना है एक खाली बाउल, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक खाली बाउल लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी एक चम्मच खीरे का रस। आप देख सकते हैं मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच खीरे का रस। आपको इस तरह से एक चम्मच खीरे का रस लेना है। उसके बाद आपको इसमें ऐड कर देना है लगभग 2 चम्मच एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ इसमें। आप चाहे तो घर का एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने वाले हैं तो आपको घर का एलोवेरा जेल नहीं लेना है, आप मार्केट का ही एलोवेरा जेल ले सकते हैं। आप इसे लगभग 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप 1-2 दिन के लिए बना रहे हैं तो आप घर का एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है आधा नींबू का रस। मैंने यहाँ पर आधा नींबू लिया है। अब मैं इसका रस इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आपको इसमें आधा नींबू का रस ऐड कर देना है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून, लगभग कुछ बूंदे ही आपको कोकोनट ऑयल की इसमें ऐड करनी है। अगर आपके पास में कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हैं। ज्यादा ऑयल नहीं आपको ऐड करना है, तो समर्स है तो इसलिए वैसे ही हमारे फेस पर ऑयल रहता है, इसलिए हमें ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है। सो गाइस, इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच रोज वाटर। मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच रोज वाटर ऐड कर रही हूँ, इस तरह से। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए सभी चीजें। इस तरह से आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। सो गाइज, अब हमारा जो फेस सीरम है वो बन करके रेडी है। सो गाइज, अब आपको इस फेस सीरम को स्टोर कर लेना है किसी डब्बी में। आपके पास अगर कोई भी क्रीम वगैरह की कोई खाली डब्बी हो छोटी सी तो आप उसमें इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इसे 1 मंथ के लिए स्टोर करने वाले हैं तो आपको इसे फ्रिज में रखना है। अदरवाइज आप इसे 3-4 दिन के लिए या फिर 1 हफ्ते के लिए बनाने वाले हैं तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। सो गाइज, मेरे पास यहाँ पर ये खाली डब्बी है इस तरह की। अब मैं इस फेस सीरम को इसमें स्टोर करने वाली हूँ इस तरह से। आप देख सकते हैं अब मैं इसे इसमें स्टोर करने वाली हूं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा फेस सीरम बन करके रेडी है। अब आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। 2 टाइम्स आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है, सुबह और शाम। हमारे फेस के लिए सीरम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी। अगर आप एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें जरूर अप्लाई करनी चाहिए, सीरम, मॉइस्चराइजर एंड टोनर। सो गाइस,
फेस सीरम भी हमारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये गर्मियों के लिए है, स्पेशली समर सीजन के लिए है, बिकॉज मैंने इसे खीरे से तैयार किया है और खीरा हमारे फेस से पिंपल्स को रिमूव करता है, बिकॉज उसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये हमारे फेस से पिंपल्स को रिमूव करता है, सनबर्न को रिमूव करता है, सनटैन को रिमूव करता है और हमारे फेस पर एक ग्लो एड करता है। इसलिए मैंने आज आप लोगों के साथ में ये खीरे का सीरम शेयर किया है। सो गाइस, आपको इसे 2 times यूज करना है। फेस वॉश करने के बाद आपको इसे अपने फेस पर लगाना है। सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद आपको टोनर लगाना है, उसके बाद आपको फेस सीरम लगाना है, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। चाहे आप अपने फेस पर मेकअप करें या ना करें, क्रीम का यूज करें या ना करें, बट आपको ये 3 चीजें अपने फेस पर जरूर अप्लाई करनी है अगर आपको एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए तो। सो गाइस, इस फेस सीरम को लेडीज और जेंट्स दोनों यूज कर सकते हैं, इसे टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं। गाइस, इस फेस सीरम को नॉर्मल स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले एंड ऑयली स्किन वाले एंड एक्ने प्रोन स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले, हर स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। बट आपको इसे विंटर्स में यूज नहीं करना है, ये ओनली स्पेशली समर सीजन के लिए है, बिकॉज मैंने इसमें लेमन यूज किया है जो कि हमारे फेस से एक्स्ट्रा ऑयलनेस को रिमूव करता है, टैनिंग को रिमूव करता है, हमारे फेस से डार्कनेस को रिमूव करता है और हमारी स्किन का कलर फेयर करता है। मैंने इसमें कुकुम्बर यूज किया है जो कि स्पेशली समर सीजन के लिए होता है। सो मैंने कुकुम्बर के फायदे आपको बता ही दिए हैं। सो गाइस, इसलिए आपके लिए ये फेस सीरम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल होने वाला है। आप इस फेस सीरम को एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, आपको मार्केट से महंगे वाले सीरम यूज करने की जरूरत नहीं है, आप घर पर भी DIY फेस ग्लोइंग सीरम बना सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से स्किन वाइटनिंग सीरम लेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, वो अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिलते हैं। सो गाइस, मैं अब इस सीरम को अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। इस तरह से आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। और अपने फेस की अच्छे से मसाज कर लेनी है। जैसे ही आप फेस वॉश करेंगे उसके बाद आपको टोनर यूज करना है। टोनर यूज करने के बाद आपको लगभग 2 से 3 मिनट तक रुक जाना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप अपने फेस पर इस तरह से फेस सीरम यूज कीजिए। उसके बाद आपको अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। इस तरह से अच्छे से मसाज करने के बाद आप लगभग 2 से 3 मिनट रुक सकते हैं। उसके बाद आप अपने फेस पर मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, और अगर आप अपने फेस पर मेकअप करना चाहते हैं तो उसके बाद आप अपने फेस पर मेकअप भी कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरह से आप अपनी स्किन केयर रूटीन को कर सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।